हाय जय जगन्नाथ। ये अनुगुल गोटे नुआ कनसेप्ट कैफेटे खुली प्रीमियमली द कनसेप्ट इज अबाउट कुका। सो कुका कौन ना बहुत ही फाइनली ब्रूड कॉफी मोस्टली ब्रिटेन अमेरिका से मिले। इंडिया रे कनसेप्टा मेनली पुणे रे अच्छे दे मेक कुका शेक्स। कुका शेक कौन था ना ये प्रीमियम ब्रूड कॉफी रे से कॉफी शेक्स बनाती और कोल्ड कॉफी बनाती विच इज कम्प्लीटली थिक। मिल्कटा ना पूरा कंडेन्सड मिल्क था तो यूर कौन आस कंडेन्सड मिल्क विथ फाइनली ब्रूड कॉफी तार एंड प्रोडक्टा बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही स्मूथ था। सो अनगुल्डेड फर्स्ट टाइम खोली चॉकलेट कैफे क्रीम आम ये फर्स्ट टाइम पे आसचु जस्ट टू एक्सपीरियंस कि केमी था एक्चुअली एंड ए ब्रांड्र आउटलेट अच्छी ओडिशा रे ओनली एट अनगुल। सो वी जस्ट वांटेड टू ट्राए कि जिनसटा कौन इज इट वर्थ दि हाइप और नॉट। सो फॉर दैट रीजन आम तीन टाइम से मकईचु गोटे है मोका कुका विथ थंडर गोटे है आईरिश कुका विथ थंडर। सो बोथ ऑफ देम मोका कुका है सम पार्ट ऑफ चॉकलेट शेक ऊपर टिके कोल्ड कॉफी आईरिश कुका मैंने टिके हेजलनट फ्लेवर्ड कोल्ड कॉफी थंडर मीन्स दे ऐड आइसक्रीम ऑन टॉप ऑफ दैट और ता बाद आम मगेचू फेरेरो चोको क्रीम दे से इट्स अ स्मूथ क्रीमी आइसक्रीम। सो बाय द प्रोसेस विल बी शेयरिंग नेट एक्सपीरियंस कौन रोचे आमर। सो बाय द टाइम द फूड अराइव्स विल सी यू देन। वाओ सो आमर तीनटा प्रोडक्ट आसी एटा मोका कुका विथ अंडा एथर आम पिस्ता बादाम फ्लेवर आइसक्रीम नहींचु दिस इज आईरिश कुका जोटा हेजलनट फ्लेवर कॉफी था एंड एथर आम रोमांटिक वैनिला फ्लेवर आइसक्रीम नहींचु एंड दिस इज द क्रीमी आइसक्रीम जोटा को एम कौन फेरेरो चोको क्रीम। सो गोटे डिटेल्ड व्यू आम देखुचे यार स्टार्ट करिया मोका कुका सहित ये तले थी आप चॉकलेट शेक ऊपर थिला कोल्ड कॉफी विल हैव द फर्स्ट बाइट नाउ। वाओ चॉकलेट सहित कोल्ड कॉफी रो ना अलग ही गोटे फ्लेवर था एंड सेटा ही एनहांस कर बहुत भल से। आइसक्रीम को टेस्ट करके देखिए फ्रॉथ देखते यार बहुत ही बढ़िया फ्रॉथ है बिकॉज इट्स थिक यहाँ आइसक्रीम टा बहुत बेसी स्वीट ना मत स्पेसिफिकली सेमती आइसक्रीम बोला जो स्वीटनेस टे कम था वेरी मच मिल्की एंड लेस ऑन स्वीट परफेक्ट ग्राइंड। यहाँ है आईरिश कुका जो हेजलनट फ्लेवर था आई एम नॉट अ बिग कॉफी फैन तो जो डार्क कॉफी था कि हेजलनट था मतलब भी बहुत भल लगे मत मो कॉफी टे कम स्वीट भल लगे एंड बहुत बेसी मैंने हाईली डार्क भल लगे ठीक है मीडियम डार्क पसंद। सो लेट्स सी हेजलनट फ्लेवर गोटे बहुत ही बढ़िया एथेरे टेक्सचर दूची सेटा ही सब कमाल कर दूची आप एंड आइसक्रीम स्कूप आम नहीं गोटे रोमांटिक वैनिला फ्लेवर रो ये आइसक्रीम टा ना इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ ब्लैक करंट एंड वैनिला सो समवेयर इन बिटवीन दैट एंड नॉट मच जेली टाइप सो यू लाइक इट। नाउ कमिंग टू दैट क्रीमी आइसक्रीम मु ए टाइप रो वेरिएंट आइसक्रीम फर्स्ट टाइम पे देखुची जोटा एमती ग्लास रे सर्व होती नीदर अ शेक नॉर आइसक्रीम समथिंग इन बिटवीन। सो ओके काफी थिक अच्छे इफ आई कंपेयर इट बिटवीन दिस टू मत एटा सबुठ बेस्ट लगला दिस विल बी बेटर एटा इट डजंट माने ओके ओके नॉर्मली डजंट मैच माय टेस्ट बड्स जहाँ को बहुत चॉकलेटी जिनस पसंद दे शुड गो फॉर दिस बट डेफिनेटली एटा गोटे जिनस एवरी वन कैन ट्राए बिकॉज एटा चॉकलेट आउ कॉफी शेक रो मिक्स अच्छी एंड एटा डिसअपॉइंट करिवनी।
ओके मिल्की कंटेंट टिके बेसी हो छै तरे वी सी हाउ डज इट टेस्ट मोर जो तो हमें फेरेरो रोशर यूज कर छै तरे सो सेटा कंडेंस्ड मिल्क ऑफ फेरेरो रोशर ओटे शेक है छै सो ऊपर जत टेस्ट न था तळो या टेस्ट बहुत ही बढ़िया छै सो इफ आई हैव टू रेट इट आई रेट इट 10.5 आई रेट इट 9 फॉर दिस दिस विल बी समथिंग बिटवीन 7.5 to 8 आम क्विकली आपको कंप्लीट करूँ एंड देन आम प्राइसिंग एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ बिफोर डूइंग दैट लोकेशन टा है अनुगुल जो अच्छे मियो आम कैफे तो जस्ट सैड्रे जो नुआ ब्लैक डायमंड म्यूजियम हो फ्रंट्रे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लोकेशन टा ड्रॉप करदे ओके कंप्लीट है विल मीट अगेन पर्सनली मो एक्सपीरियंस काफी भल था यू सो बिफोर स्टार्टिंग एनिथिंग एल्स मुझे बिल्डिंग कहीदे आईरिश कुका विथ थंडर माने जो थे हेजलनट फ्लेवर कॉफी थिला सेटा हमको 100 टका पड़ला मोका कुका विथ थंडर माने जो थे आम चॉकलेट शेक आउ कोल्ड कॉफी थिला सेटा 90 टका पड़ला आउ फेरेरो चोको क्रीम जो थे आम फेरेरो चॉकलेट यूज होता सेटा हमको 110 पड़ला सो टोटल इट वाज 300 रुपीज 300 रुपीज रे एक्सपीरियंस वाज वर्थ इट एंड दिस इज समथिंग वेरी न्यू अनगुल को देखले जिनसटा बहुत ही नुआ अच्छी एंड वी आर नॉट हियर प्रमोटिंग दिस प्लेस तो आप डेफिनेटली ट्राई करूँ केमती रोचे एंड जब आप ठीक लगुनि तो बतातु भी एंड इफ यू नो कि अनगुल भाई एमती अलग भी जगह अच्छी जो कोल्ड कॉफी बहुत भल मिलू देन रेकमेंड भी करूँ आम से भी जाकर रिव्यू करूँ भाई केमती लगुच आमको या कनसेप्टा बहुत भल लगेगा कुका इज समथिंग विच इज वेरी पॉपुलर इन पुणे मुझे भी पुणे जाए मो पुणे फ्रेंड्स मैंने बहुत रेगुलर ड्रिंक करती एंड सेठी बहुत सारा आउटलेट्स अच्छे पुणे रे चेन्नई रे सो एटा आम ओडिशा रे ओनली वन आउटलेट डेफिनेटली ट्राई हियर वन्स फ्लेवर नियंतु एंड निज मत दिंतु केमती लगे लोकेशन टा है मियो आम परे परे इन फ्रंट ऑफ जोड़ा कंस्ट्रक्ट हो ब्लैक डायमंड म्यूजियम मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देदेवि एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कीप सपोर्टिंग अस् कीप रेकमेंडिंग अस् कि कौटी जाके नुआ वीडियो बनेबू एंड गिव योर लव टू अस् थैंक यू जय जगन्नाथ।